दिखाइए। सर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। नहीं हो रहा देखो, तुम्हारा इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार सिस्टम बंद करोगे, सर, ये स्टार्ट होने के बाद हो जाता है। जना कल ऑन करोगे तो हो जाएगा। इसमें थोड़ा रजिस्ट्री एंट्री जो है इंटरनली में, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है ना, तुम्हारा इंस्टॉल हो गया। कल से सर चेक कर रहे हैं सर, ये परसों दिन से। इसको बंद कीजिए ना, और सर्च में आप टाइप कीजिए विजुअल बेसिक 6.0। मैसेज दे रहा है कि ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड है, तो अगर सर्च करिएगा। हाँ, विजुअल बेसिक 6.0, देखिए आपका है, ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। अब नाउ ओपन, आपका काम करेगा। बार बार आप इंस्टॉलेशन ले रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। और डबल क्लिक करो, हो गया ना। यस सर, हो गया। रुक जाइए, स्टैंडर्ड exe आएगा, ओपन रुको, करिएगा, वेट करो, अभी इंटरफेस आपका आएगा। बस इससे आगे नहीं बढ़ता है मेरे लैपटॉप में भी। आगे बढ़ेगा, आगे रिस्पोंडिंग अब नॉट करेगा। रिस्पोंडिंग, बार बार इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ना, क्योंकि तो आपका सेटअप सर हो गया सर, सेटअप इनकम्प्लीट दिखा रहा है, इसलिए आप बार बार उसको ऑप्शन को चला रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, हो गया, हो गया ना। यस सर, थैंक यू। ठीक है, स्टॉप करिए शेयरिंग। नाउ लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द इंटरफेस, तो आई थिंक दैट कि आफ्टर इंस्टॉलेशन यू जस्ट गो थ्रू द पर्टिकुलर वर्क। ठीक है ना। नाउ टुडे विल डिस्कस सम पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर, जो मॉड्यूल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। We just discuss as like any programming language, first of all we need to find out the structure of that particular language. तो जैसे C का structure आप देखे, उसका एक standard format follow किए, C++ का भी standard format follow किए, फिर उसमें programming किए। उसी तरह से VB का भी एक standard format है, जिसको हम लोग previous lecture में discuss किए थे, and we have to follow that standard format. तो वीबी में हम लोग देखे कि देर इज ए फॉर्म, देर इज ए प्रोजेक्ट, देर इज ए पर्टिकुलर बेस फाइल। ठीक है ना, तो सेवरल एक्सटेंशन इज जनरेटेड वंस यू सेव द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड द फॉर्म। ठीक है ना, फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट आपका बनता कैसे है, तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द पर्टिकुलर, जो लास्ट क्लास हम लोग एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखे थे इंटरफेस ऑपरेशंस कैसे आपका एग्जीक्यूट करता है। टुडे विल डिस्कस द स्ट्रक्चर। सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है, आ रहा है सर, क्लियर है सर। कोई अभी आया है क्या?
तो एप्लीकेशंस आपका जो कोई भी एप्लीकेशंस बनेगा बीबी में, तो एप्लीकेशन इज मेड ना एनी एप्लीकेशंस और यू कैन से गिव द नेम एज ए प्रोजेक्ट. तो एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट आपका जो है वो इज मेड ऑफ, ठीक है ना, मेड अप ऑफ आपका सेवरल है. सबसे पहला चीज जब वीवी का इंटरफेस ओपन करते हैं तो सबसे पहला चीज आपको क्या ऑब्जेक्ट मिलता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जो है कोई भी ऑपरेशंस इनिशिएट करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट इज द फॉर्म इटसेल्फ, बिकॉज फॉर्म अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है. तो फर्स्ट पार्ट इज द फॉर्म, ठीक है ना, जो फॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं ये आपके एप्लीकेशन का सबसे पहला प्राइम फैक्टर है. तो फॉर्म्स एक्चुअली क्या है, इट इज द प्लेस वेयर यू कैन इम्बेड सेवरल ऑब्जेक्ट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो इट इज द विंडोज दैट विल क्रिएट योर इंटरफेस. बेसिकली आपका फॉर्म क्या है, फॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द इंटरफेस. तो इट इज रिस्पॉन्सिबल, या यू कैन से दिस विंडो इज रिस्पॉन्सिबल, दिस विंडो इज रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड यूजर इंटरफेस. यानी कोई भी ऑब्जेक्टिव दो नंबर को जोड़ना है, सिंपल हम लोग प्रोग्राम भी करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको फॉर्म्स को देखना है. फॉर्म्स तो सबसे इनिशियल आपका ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर आप कोई भी कंट्रोल्स डाल सकते हैं. आफ्टर फॉर्म्स वी थिंक अबाउट द कंट्रोल्स. तो कंट्रोल्स को हम लोग देखे, तो व्हेन वी डिस्कस द पर्टिकुलर, सी नाउ आफ्टर फॉर्म्स, ये सबसे पहला क्या है, दिस इज द प्लेस वेयर वी राइट द पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्म फर्स्ट प्लेस. देन we think about this tools, this is the controls, these are the controls which is used to implement your interface. yahi aapka controls hai jo aapke interface ko banane mein helping hand ka kaam karega, yani ki it will give you the assistance whenever you are in the process to design any types of interface according to the requirement. koi bhi requirement aapka hoga uske accordingly is interface ko aap use karenge. now the second part is the controls. You just see here the, it is what, it is the graphical, you know, graphical features provided by VV 6.0. so 6.0 VV mein ye aapka jo hai graphical features ko draw karne ke liye aapka jo hai ye फीचर्स को एडप्ट किया गया है. एंड व्हाट टाइप्स ऑफ असिस्टेंस यू विल गेट फ्रॉम दिस, तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स वी मेक आवर इंटरफेस इंटरैक्टिव वन. यानी आप अपने इंटरफेस को इंटरेक्टिव अगर बनाना है आपको, जैसे लास्ट क्लास एक हम लोग प्रोग्राम लिखे जिसमें दो नंबर को जोड़ना, दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना, सिंपल प्रोग्राम देखे, तो ये सिंपल प्रोग्राम था लेकिन ये यूजर इंटरेक्टिव था. यूजर इंटरेक्टिव इसलिए था कि यूजर जब चाह रहा था तो उसमें वैल्यू इनपुट ले ले रहा था, और जिस तरह का ऑपरेशन चाह रहा था उसको क्लिक करके वो ऑपरेशन का रिजल्ट उसको देख पा रहा था. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सारे कंट्रोल्स जो आपका है, ये सारे कंट्रोल्स को यूज करके आप विजुअल बेसिक 6 में जो इंटरफेस डिजाइन करेंगे वो इंटरफेस आपका इंटरेक्टिव इंटरफेस बन पाएगा. यानी इंटरेक्टिव इंटरफेस का मतलब है कि यूजर इंटरेक्टिव, यानी यूजर. अब इसमें क्या है, यहाँ पर जितना कंट्रोल्स है सारे कंट्रोल्स को आप लिस्ट आउट कर सकते हैं यहाँ,
every control, just when you point the particular pointer, you will get the particular name. हमने एक वर्कआउट करने के लिए आपको दिया था, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ ईच कंट्रोल अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड ईएक्सई प्रोजेक्ट. आर यू कंप्लीटेड दैट वन? कर लिए कंप्लीट? यस सर. ये हैं? यस सर. हाँ ये हैं. तो बताओ तो जी, लेवल का क्या है बाय डिफॉल्ट इवेंट? हमने बताया था क्लिक है सर. क्लिक. ओके क्लिक क्लिक. ठीक ठीक. तो इसके लिए हमने बताया था कि जितना आपका ऑब्जेक्ट है सबको आप यहां पर प्लेस कर दो. ठीक है. अब देखिए यहां पर OLE है. ये OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. देन ये आपका है कोई पर्टिकुलर कंट्रोल. ये डायरेक्टरी है. ये आपका ड्राइव है. ये टाइमर है. देन नहीं लिस्ट है. ये कॉम्बो बॉक्स है. ये ऑप्शन बटन ऑप्शन बॉक्स. ये आपका हो गया फ्रेम. ये हो गया आपका टेक्स्ट बॉक्स. ये हो गया आपका कौन सा बॉक्स? पिक्चर बॉक्स. ये हो गया आपका इमेज. ये हो गया आपका टाइमर. और ये हो गया आपका लाइन. देखिए इतना डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो इतना डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो ये सारे ऑब्जेक्ट का आपको अगर ऑब्जेक्ट कोड देखना है तो चूंकि ये सारे फॉर्म पर अब आ गया है तो सारे फॉर्म पर आ गए हैं तो इसका कोड विंडो पर जब जाएंगे हम तो व्यू कोड विंडो में जाएंगे तो यू विल गेट द लिस्ट ऑफ ऑल. ठीक है ना. जितना चीज हम लोग यहाँ पर फॉर्म पर डाले हैं ये सारे यहाँ पर दिखाई देंगे. अब एक एक करके आप चेक कर लीजिएगा. राइट साइड में यू विल गेट द डिफॉल्ट इवेंट फॉर ईच. तो कॉम्बो वन का डिफॉल्ट इवेंट चेंज. डायरेक्टरी वन का भी चेंज. ड्राइव का भी चेंज क्योंकि सब चेंज होता है. फाइल का भी. फाइल का क्लिक. फॉर्म का लोड. फ्रेम का ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग ड्रॉप. फ्रेम इज ड्रैग एंड ड्रॉप. इमेज के लिए क्लिक. लिस्ट बॉक्स के लिए क्लिक. ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के लिए अपडेटेड. क्योंकि जब भी कोई पर्टिकुलर फाइल या एक्सेल या कोई भी सीट आप इंसर्ट करेंगे तो वो अपडेट ही होगा आपका. उसमें कोई भी कंटेंट अपेंड करेंगे. ऑप्शन वन क्लिक. पिक्चर बॉक्स क्लिक. टेक्स्ट बॉक्स चेंज. एंड टाइमर इज टाइमर के लिए टाइमर ही है. ठीक है ना. तो इतना कंट्रोल हम लोग जो है ऑलरेडी फॉर्म के ऊपर प्लेस कर दिए हैं. तो जस्ट सी कि अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं. लोड के जगह अगर लॉस्ट फोकस करना चाहें माउस डाउन. ऑल आर व्हाट? ऑल आर द इवेंट वी जस्ट डिस्कस वन बाय वन. तो ये आपका डिफॉल्ट इवेंट हुआ स्टैंडर्ड ईएक्सई प्रोजेक्ट में. जो भी आपका स्टैंडर्ड ईएक्सई प्रोजेक्ट अगर आप में जो भी कंट्रोल्स यूज करेंगे उसका डिफॉल्ट इवेंट यही होगा. आप इसको मॉडिफाई करना चाहेंगे तो मॉडिफाई हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये वर्कआउट करने के लिए दिए थे. यू जस्ट मेक अ लिस्ट. ये सारे लिस्ट को आप एक बनाएंगे और उस लिस्ट में एक तरफ आपका क्या रहेगा? एक तरफ आपका रहेगा लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स यानी नेम ऑफ द कंट्रोल्स और एक तरफ आपका रहेगा डिफॉल्ट इवेंट. नाउ तो यू कैन मेंशन हियर कंट्रोल्स में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. ऑल आर कंट्रोल्स लाइक योर लिस्ट बॉक्स. ठीक है ना. लिस्ट बॉक्स कॉम्बो बॉक्स. ठीक है ना. और कमांड बटन ऑप्शन बटन एक्सेट्रा. ऑल आर द कंट्रोल्स. तो अब ये कंट्रोल्स हो गया. फॉर्म सबसे पहले आपको चाहिए. फॉर्म
इंटरफेस डिजाइन करने के लिए, क्योंकि फॉर्म्स पर ये सारा कंट्रोल्स आप इम्बेड करेंगे. देन थर्ड पार्टी इज व्हाट, थर्ड पार्टी वी आर डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, प्रॉपर्टीज. तो कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले जो भी टूल्स आप यूज करेंगे, जो भी कंट्रोल्स यूज करेंगे, वो सारे कंट्रोल्स का प्रॉपर्टीज सेट करना पड़ेगा. जनरल प्रोग्राम में क्या करते हैं हम लोग, एक इनपुट स्टेटमेंट लेते हैं, एक आउटपुट स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें एक मैसेज दे देते हैं इंटर टू नंबर, और वो मैसेज के अकॉर्डिंगली प्रिंटफ के बाद स्कैनफ ले लेते हैं, या सी प्लस प्लस लिखे होंगे तो सी आउट और सी इन ले लेते हैं. तो मैसेज आप डायरेक्ट डिस्प्ले कर पाते हैं. लेकिन अब यहाँ मैसेज आपको किसी लेबल के अंदर रखना है, तो लेबल में मैसेज लिखने के लिए लेबल के प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ेगा. लिस्ट बॉक्स में कोई कंटेंट को ऐड करने के लिए उसके प्रॉपर्टीज में कंट्रोल इंटर करके एक एक करके, अगर डिजाइन टाइम में आप उसमें अपडेट कर रहे हैं लिस्ट बॉक्स को, तो डिजाइन टाइम में आपको प्रॉपर्टीज उसका लिस्ट बॉक्स का अपडेट करना पड़ेगा. यानी कि नेक्स्ट जो एप्लीकेशन कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आप वीवी में, उसमें जो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, आपका प्रॉपर्टी. एंड यू हैव टू सेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एंड एवरी कंट्रोल्स, ठीक है ना, विच इज एम्बेडेड ऑन द फॉर्म इटसेल्फ. फॉर्म को भी आपको प्रॉपर्टी सेट करना होगा. अगर फॉर्म का नेमिंग कन्वेंशन चेंज करना है, या फॉर्म का बैकग्राउंड चेंज करना है, ठीक है ना, उसका अपीयरेंस चेंज करना है, फॉर्म पर जो आपका कोई फॉन्ट प्लेस हो रहा है उसका फॉन्ट चेंज करना है, देन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ चेंजिंग यू हैव टू चेक आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स. तो प्रॉपर्टीज इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर. यहाँ पर आपका कोई भी एप्लीकेशन जब बनेगा तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, यानी एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू मेंशन, every characteristics of a form or control, every characteristics of form or control is specified by, is specified by a property, ठीक है ना, a property. तो अब प्रॉपर्टी में अब सारा लिस्ट यहाँ देना संभव नहीं है. वी जस्ट ओपन द प्रॉपर्टीज वन बाय वन, वी चेक आउट द लिस्ट. और जैसे जैसे आपका एनहांसमेंट होगा प्रोग्रामिंग पैटर्न, वैसे वैसे सारे लगभग सारे प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना. तो अब एग्जांपल में यू कैन मेंशन हियर, लाइक आप वहाँ देख रहे थे ना प्रॉपर्टी क्या क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर का, तो कैप्शन, नेम, ठीक है ना, फॉन्ट, ठीक है, फॉर कलर, बैक कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना, मीन बटन, ये जनरली आपका मीन बटन, मैक्स बटन, ठीक है, देन देयर इज अ प्रॉपर्टी फॉर विंडोज स्टेट, विंडोज स्टेट, देन टूल टिप टेक्स्ट, टूल टिप्स टेक्स्ट, एक्सेट्रा. So these are some of the example properties, name of the properties, which is to be set for the particular controls. So जब भी आप programming करेंगे, कोई project बनाएंगे, तो सबसे पहले form को आपको देखना है, फिर form के बाद you have to look after the controls. Why? Because you think about कि which controls you need to finalize your objective. So out of several controls, उसमें से जो आपका selective controls है, उसको आप select कर पाएंगे. उसके बाद जब एक बार सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल्स को, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स. तो जो कंट्रोल्स आपने लिया है उसका प्रॉपर्टीज, यानी उसके नेम में क्या रखना है, कैप्शन में क्या रखना है, वी जस्ट चेक आउट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे आप प्रॉपर्टीज चेक करते हैं. अब ये चीज जो है प्रॉपर्टीज, ये दो मोड में चेक होगा, मोड ऑफ प्रॉपर्टीज सेटिंग, ठीक है ना. जब आप वीवी प्रोग्रामिंग करेंगे तो यहां पर दो मोड में होगा. एक होगा आपका डिजाइन टाइम, यानी जब आपको दिख रहा है उसी समय में, यानी कि जब आप बना रहे हैं, आप जब फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं इंटरफेस के लिए, उसी समय में जो कंट्रोल है उसके, उसको डिजाइन टाइम में ही उसका प्रॉपर्टी सेट कर दीजिए. या किसी इवेंट के अकर होने के बाद अगर आपको करना है, देन यू हैव अ रन टाइम मोड, ठीक है ना. तो प्रॉपर्टीज फॉर द पर्टिकुलर कंट्रोल्स विल बी सेट आइदर इन डिजाइन टाइम और रन टाइम. इट इज क्लियर? यस सर. यस सर. तो आप जब रन हो रहा है प्रोग्राम, तब भी लेवल के कैप्शन को चेंज कर सकते हैं,
और जब प्रोग्राम आपका अंडर प्रोसेस है, आप डिजाइन कर रहे हैं इंटरफेस, उस समय डिजाइन टाइम में भी उसके प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं, दोनों आपका प्रोविजन यहाँ पर इंक्लूड है. देन यू थिंक अबाउट द मेथड्स. आफ्टर सेटिंग द प्रॉपर्टीज यू थिंक अबाउट द मेथड्स. तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोग्राम डिस्कस किए थे, वहां देखे थे सबसे पहले क्या किए, फॉर्म ओपन हुआ, फॉर्म पर हम वो सारे कंट्रोल्स को ले गए जिसका हमको अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरत था. उसके बाद जैसे जैसे कंट्रोल्स ले गए वैसे वैसे प्रॉपर्टीज सेट करते गए डिजाइन टाइम में, क्योंकि वहां रन टाइम में सेट नहीं किए थे, तो डिजाइन टाइम में हम एक एक करके सारे का प्रॉपर्टीज सेट किए. सेट करने के बाद हम क्या सोचे मेथड्स के बारे में. मेथड्स के बारे में कहने का मतलब कि अब हम इस इंटरफेस को इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे. इंटरैक्टिव कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हमको इवेंट प्रोसीजर्स के बारे में सोचने से पहले मेथड्स के बारे में जानना होगा कि क्या कोई बिल्ट इन प्रोसीजर्स है जो हमारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंटरैक्टिव बना सकता है. तो मेथड्स के बारे में डिस्कस करने का मतलब है कि वी थिंक अबाउट द बिल्ट इन प्रोसीजर्स, ठीक है ना. तो बिल्ट इन प्रोसीजर्स दैट कैन इनवोक्ड, दैट कैन बी इनवोक्ड, ठीक है ना, दैट कैन बी इनवोक द पर्टिकुलर इनवोक टू एग्जीक्यूट सर्टेन एक्शन, ठीक है ना, आपके इंटरफेस से कोई सर्टेन एक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए. नेक्स्ट इज द इवेंट प्रोसीजर्स. जो ओके बटन में पहले हम लोग किए, फिर हमने सब और सम के लिए लिखा, तो इवेंट प्रोसीजर्स का मतलब कि आपका जो इवेंट है डिफॉल्ट इवेंट, वो डबल क्लिक करने पर आपका कोड विंडो ओपन होगा. कोड विंडो में जाने पर यू हैव टू थिंक अबाउट कि व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स यू हैव टू अप्लाई फॉर द पर्टिकुलर कंट्रोल टू मेक द इंटरफेस इंटरैक्टिव वन. तो जैसे हम लोग वहां देखे लास्ट क्लास जो प्रोग्राम किए थे, ये प्रोग्राम किए थे अब यहां पर हमने प्लस के लिए पहला काम तो कर लिया, फॉर्म देख लिया, फिर कंट्रोल्स को यहाँ पर इम्बेड कर दिया. कंट्रोल्स को इम्बेड करने के बाद तीसरा उसका प्रॉपर्टी सेट कर दिया, यानी कि लेबल में जो लिखना था, जो टेक्स्ट बॉक्स को खाली करना था, कमांड बटन में जो लिखना था उसका जो प्रॉपर्टी सेट करना था, सारा कुछ करने के बाद हम लोग इसके लिए कोडिंग किए. दिस इज द इवेंट प्रोसीजर्स. इवेंट प्रोसीजर्स में कमांड एड के लिए हमने ये सोचा कि जब ये पर्टिकुलर बटन को क्लिक किया जाएगा तो क्या एक्चुअली होना चाहिए और उसका इम्पैक्ट आपके इंटरफेस पर कहाँ दिखेगा. तो इसके बारे में हम लोग देखे कि तीन टेक्स्ट बॉक्स था, तो दो टेक्स्ट बॉक्स में हमने यूजर एंट्री लिया और तीसरा टेक्स्ट बॉक्स में उसको डिस्प्ले करा दिया रिजल्ट. तो जब ये कमांड ऐड को क्लिक कोई करेगा तो आपका रिजल्ट एडिशन करने के बाद जो तीसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसमें दिखेगा. उसी तरह से इसके लिए हम लोग कोडिंग किए क्लियर, कमांड क्लियर. यहाँ पर जैसे ही कोई क्लिक इवेंट लगाएगा, दैट इज द इवेंट प्रोसीजर्स, तो हमारा करना, हमको क्या करना था, वी हैव टू ब्लैंक द पर्टिकुलर, यानी कि वी हैव टू क्लियर द कंटेंट्स अवेलेबल इन द थ्री टेक्स्ट बॉक्स, बिकॉज द यूजर वांट टू प्लेस द न्यू वैल्यू ओवर देयर. आपका यूजर दूसरा वैल्यू देने जा रहा है तो क्या किए, इसके लिए प्रोसीजर सोचे. अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल है कि टेक्स्ट बॉक्स 1, 2, 3 को हमने ब्लैंक कर दिया. सेम थिंग जब कैंसिल करना था तो हम अनलोड कर लिए, ठीक है ना, अपने प्रोग्राम से बाहर निकल गए. अगर नंबर ऑफ फॉर्म होगा तो अनलोड में ही लिखेंगे, अगर सिंगल फॉर्म है तो अनलोड में या एंड, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. मतलब कि वी थिंक अबाउट द इवेंट प्रोसीजर हियर, क्योंकि यहाँ इवेंट प्रोसीजर के बारे में सोचे कि अगर इसको कोई यूजर क्लिक करेगा तो कैंसिल होना चाहिए. सिमिलरली सब के लिए भी वही काम किए कि आपका जो यूजर अगर सब पर क्लिक करे तो आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो. तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम देन अकॉर्डिंग टू योर प्रोसीजर्स, व्हाट एवर प्रोसीजर्स यू आर डिजाइनिंग, दिस विल वर्क. तो जब आप इसमें कोई वैल्यू डाले, कोई भी वैल्यू सपोज 52, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, तो यूजर का ये मतलब था कि दोनों का ऐड करके यहाँ रिजल्ट दिखना चाहिए.
तो अब यहाँ यूजर प्लस को क्लिक किया, अगर यहाँ माइनस को क्लिक करेगा तो डायरेक्ट माइनस दिखेगा, प्लस को क्लिक करेगा प्लस दिखेगा, यानी कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑटोमेटिकली होगा आपका, बिकॉज आपका यूजर जब इसको क्लिक कर रहा है तो ये जो डेटा है इसमें आपका उससे रिलेटेड आपका मतलब टोटल यूजर इंटरेक्टिव हो गया, तो एट ए टाइम आप दोनों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स में आपने एंट्री किया उसको, तो अब फर्दर जो आपका है इसको यूजर चाहता है कि नहीं, ये तो हुआ कि हम इसी वैल्यू पर काम कर लिए, दोनों देख लिए, लेकिन अगर यूजर को चाहेगा कि नहीं, अगर 56 प्लस 52 हमने किया है तो हम डिफरेंस जो है किसी और पर करना है, तो क्लियर को क्लिक करेगा तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करने का प्रोविजन आ गया कि 87 और 23 डाले, अब हम माइनस कर सकते देख सकते हैं, तो 87 माइनस 23 किए तो प्लस भी करके देख सकते हैं, लेकिन जब चाहें अगर हम वैल्यू को चेंज करना तो क्लियर एक ऑप्शन हमारा होना चाहिए, अगर ये क्लियर बटन नहीं होता तब ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाता है कि आप एक वैल्यू को डालने के बाद दोबारा वैल्यू चेक नहीं कर पा रहे हैं, जैसे जनरली आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें जब कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं तो जितनी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे हर बार वो उसी कांस्टेंट वैल्यू को एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है ना, अब फाइनली जब कैंसिल को क्लिक कर रहे हैं तो हम इससे बाहर निकल जा रहे हैं, तो दैट इज द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इवेंट प्रोसीजर्स, आर यू गेटिंग द पर्टिकुलर कांसेप्ट ऑफ इवेंट प्रोसीजर्स, आप जो चाहते हैं करवाना उस चीज को आपको प्रोसीजर्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो दैट इज व्हाट दैट इज द कोड रिलेटेड टू, ठीक है ना, आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए ही कोडिंग कर रहे हैं, जब उस पर कोई इवेंट लगेगा उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक इवेंट डबल क्लिक इवेंट, तो कोड रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ इवेंट प्रोसीजर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ इवेंट प्रोसीजर, ठीक है ना, और ये कब एग्जीक्यूट होता है, दिस विल, बोलिए कोई याद नहीं, दिस इज द कोड that is executed whenever certain event occurs, तो जब भी आपका कोई इवेंट अकर होगा तो ये आपका इवेंट प्रोसीजर से आपका एग्जीक्यूट होगा। दूसरा, जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे तो यहां पर एक और चीज आपको मिला था, इसका सी जनरल डिक्लेरेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ जनरल डिक्लेरेशन, एनीवन, कोई बताइए, जनरल डिक्लेरेशन आपका ग्लोबल एक्सेशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ जनरल डिक्लेरेशन आप करते हैं किसी भी तरह का, जैसे एबी को अगर आप नंबर ऑफ इवेंट प्रोसीजर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यू डिक्लेयर इज ए ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए जनरल डिक्लेरेशन भी यूज करते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्रोसीजर्स, तो जनरल प्रोसीजर्स क्या होगा, एनीवन, जनरल प्रोसीजर जो है वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है ना, दिस कोड बेसिकली मस्ट बी इनवोक फॉर योर एप्लीकेशन, जैसे आप एपीआई यूज करते हैं तो एपीआई आपका जो है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोडिंग नहीं होता है, वो इंटायर ऑब्जेक्ट के लिए कोडिंग करता है, जैसे आप सिस्टम को शट डाउन करेंगे, शट डाउन के लिए एक एपीआई कॉल होगा, तो ये पूरे एप्लीकेशंस के लिए काम करेगा, कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन का कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं करेगा, तो जनरल प्रोसीजर्स इज यूटिलाइज्ड बाय एप्लीकेशन नॉट फॉर द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, उसको आगे हम लोग देखेंगे, एंड द नेक्स्ट वन इज द मॉड्यूल्स, जैसे आपका क्लास का कॉन्सेप्ट है तो यहां पर भी देयर आर सेवरल मॉड्यूल्स, ठीक है ना, तो मॉड्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो मॉड्यूल्स में जितना चीज आप देखें वहां पर जनरल प्रोसीजर से लेकर वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है ना,
जनरल प्रोसीजर्स वेरिएबल डिक्लेरेशन. अभी तक हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन एक पार्ट में किए थे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कांस्टेंट डिक्लेरेशन एक्सेट्रा, ऑल आर द पार्ट ऑफ मॉड्यूल्स. कांस्टेंट डिफिनेशन एप्लीकेशन में जो भी हम लोग कांस्टेंटली यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द स्टेप्स. स्टेप्स आवाज आ रहा है ना? यस सर. स्टेप्स इन डेवलपिंग एप्लीकेशंस. तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है. आप बोलेंगे कि इतना काम करना पड़ेगा, तीन स्टेप करना पड़ेगा. जनरली सी सी प्लस प्लस जावा में आप क्या है, प्रोग्राम प्रॉब्लम मिला और उसको लिखना शुरू कर दिए. यहाँ पर सबसे पहले एक आपको इंटरफेस ड्रॉ करना होगा, यानी फॉर्म को अपने कॉपी पर बनाना पड़ेगा एग्जाम में भी. तो दो नंबर को प्रोग्राम लिखे तो सबसे पहले एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा. सबसे पहला इंटरफेस आपका दिखेगा कैसा, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज सेट करना पड़ेगा. इसमें जो जो आपने ऑब्जेक्ट लिया उसका प्रॉपर्टीज लिस्टिंग करना पड़ेगा. उसके बाद आपको फिर इवेंट प्रोसीजर्स यानी कि कौन सा बटन के लिए कौन सा कोडिंग करेंगे, देन तो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा. तो अब ये वैरी करेगा इंटरफेस जो है वो पर्सन टू पर्सन, प्रोग्रामर टू प्रोग्रामर वैरी कर सकता है. तो आप कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर एग्जाम में लिखेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर किसी का जो है वो सेम इंटरफेस दिखे. इंटरफेस विल बी वैरिड पर्सन टू पर्सन. सर क्लास में है? ठीक है. तो स्टेप्स बेसिकली स्टेप्स आपका क्या होगा, सबसे पहला स्टेप्स. अब इसमें कोई भी वीवी का जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ये जो तीन स्टेप बताया यही तीनों स्टेप आपको हर प्रोग्राम के लिए तीन स्टेप करना पड़ेगा. तो बेसिकली इन वीवी देयर आर थ्री प्राइमरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग एनी एप्लीकेशन. कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करने में दो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप इज द टू ड्रॉ द यूजर इंटरफेस. ड्रॉ द यूजर इंटरफेस जो ये पहला चीज है. सेकेंड स्टेप व्हाट, यू हैव टू सेट द प्रॉपर्टीज यानी असाइन प्रॉपर्टीज टू कंट्रोल्स. अब यहां पर कंट्रोल्स जो है उसी कंट्रोल्स को आप ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, उसी को आप टूल्स भी बोलते हैं. तो ऑल आर सेम, आइदर यू से कंट्रोल्स ऑब्जेक्ट्स और टूल्स, ऑल आर सेम. तो पहले इंटरफेस डिजाइन किया, फिर असाइन किया प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड स्टेप यू हैव टू अटैच कोड. तो अटैच कोड टू कंट्रोल्स. यही तीन काम करते हैं, यही काम किए थे ना? यस सर. यस सर. ठीक है. देन फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज ड्रॉ द यूजर इंटरफेस. तो अब हम लोग पहले ही बता दिए इंटरफेस डिजाइन जो आप करेंगे उसका दो तीन मोड होगा. पहले तो डिजाइन मोड, रन मोड और ब्रेक मोड. तो जस्ट एक बार हाई लुक देख लीजिए. ये आपका क्या है, यहाँ देखिए तीन मोड दिख रहा है. यहाँ पर आप कोड को व्यू कर रहे हैं, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं और यहाँ पर आप फोल्डर व्यू कर रहे हैं. तीनों चीज देख रहे हैं ना? तो ये आपका क्या हो गया, ये जो अभी ओपन है ये आपका क्या हो गया, दिस इज द डिजाइन मोड. डिजाइन मोड का मतलब कि जब आप कोई एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे होते हैं तो ये आप एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं तो दिस इज द डिजाइन मोड. व्हाट इज द रन मोड, जब आप इसको रन कर देंगे दिस इज द रन मोड. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर. यस सर. यस सर.
और इसमें कोई एरर आ गया तो उस केस में आपका ये पॉज हो जाएगा, दैट इज द ब्रेक मोड, ठीक है ना। जैसे यहाँ एरर क्रिएट करते हैं। अब दूसरा इसमें कमेंट के लिए क्या है, इसमें कुछ कमेंट डाल देते हैं, देखते हैं एरर आ जाता है। सिंगल कमेंट, अब ये कमेंट हो गया, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा आपके प्रोग्राम में। अब देखते हैं कि ये जब इसको आप रन कराते हैं क्या कोई एरर आता है। पहले वैल्यू डालते हैं, देखिए अब यहाँ ये आपका नंबर जो है ये डिलीट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो अब यूजर चाहेगा तो यहाँ पर फोकस करके फिर इसको डिलीट करके करेगा तो इससे काम नहीं बनेगा, इसमें कुछ एरर और क्रिएट करना पड़ेगा। इसमें एरर क्रिएट करते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन को ही कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है। नाउ तो ले रहा है, अब देखिए अब यहाँ क्या किया, अब हाँ कॉन्केटिनेट कर दिया क्योंकि दोनों को स्ट्रिंग मान लिया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करके इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। यहाँ पर अब रिजल्ट आपका जो है सही आ रहा है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है क्योंकि एक मिनट अभी इससे काम नहीं चलेगा, इसको इसको कमेंट में डाल दीजिए, डिस्प्ले को ही कमेंट में डाल दीजिए। नाउ रन, तो 47 58 एरर आया, कोई फंक्शनिंग नहीं होगा इसमें, फंक्शनिंग ही स्टॉप हो गया। मेरा छोटा प्रोग्राम है इसलिए इसमें ज्यादा एरर क्रिएट है, इसको ये काम नहीं कर रहा है लेकिन वार्निंग भी नहीं दे रहा है, ठीक है, वो इनकम्प्लीटनेस है इसलिए प्रोग्राम में एरर नहीं है कहीं। लेकिन ये तीसरा मोड आपका होगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब कोई उस तरह का प्रोग्राम आएगा, ठीक है। तीसरा मोड हुआ जब ब्रेक मोड, यानी कि आपका प्रोग्राम डिबगिंग स्टेज में चला गया। तो डिबगिंग स्टेज में कल हम लोग गया था प्रोग्राम, जब हम इसका नाम बदल दें, जैसे इसका नाम हम CMD ऐड लिखे हैं और हम जो है कोड जो है इसका शायद कल हटा दिए थे क्या, प्लस और माइनस के लिए कोडिंग किए थे ना, अच्छे चीज वो हट गया है जो उसको हम लोग डिलीट कर दिए थे उस बटन को, ठीक है। तो अगर कोई वार्निंग मोड आ जाता है तो वार्निंग मोड के लिए आपका जो है वो ब्रेक मोड होगा। तो यूजर इंटरफेस जो है आपका वो तीन मोड में रहेगा, डिजाइन तो आपका करेंगे वो तो करेंगे ही, आपका जो विजुअल बेसिक का जो ड्राइंग होगा इंटरफेस जो बनेगा वो तीन मोड में होगा, डिजाइन मोड में, रन मोड में जब रन करके आप देखेंगे उसको, और ब्रेक मोड में जब रन करके देखेंगे और वहां कहीं कोई एरर आ गया तो डिबगिंग, यानी ये डिबगिंग स्टेज में चला गया, डिबगर आपको यूज करना पड़ गया कि जिस पार्ट ऑफ कोड में आपको एरर है उसको पहले रेक्टिफाई करिए तब आपका एग्जीक्यूट होगा वो, ठीक है। तो यू कैन मेंशन हियर कि विजुअल बेसिक operate in three modes, ठीक है ना। फर्स्ट मोड इज द डिजाइन मोड, नेक्स्ट वन इज द रन मोड एंड थर्ड वन इज द ब्रेक मोड, ठीक है। तो डिजाइन मोड आपका एक्चुअली क्या है, जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं तो यूज्ड इन बिल्डिंग, यूज इन बिल्ड एंड एप्लीकेशन, नॉट बिल्डिंग, यूज इन बिल्ड एंड एप्लीकेशन। एंड रन मोड कब काम करेगा, यूज टू
रन एंड एप्लीकेशन एंड ब्रेक मोड इज व्हाट ब्रेक मोड इज द एप्लीकेशन हॉल्टेड या पॉज्ड यू कैन से एंड डिबगर डिबगर इनिशिएट कर लेगा डिबगर इज अवेलेबल यानी आपके प्रोग्राम को चेक करने के लिए डिबगर अवेलेबल हो जाएगा ठीक है ना तो नेक्स्ट क्लास से इसको कंटिन्यू करेंगे यहां तक में किसी को कोई डाउट